वेलकम बैक दोस्तों, आज हम खड़े हैं किया कैरेंस के सामने और बात करेंगे इस कार के अंदर आप कौन कौन सी एक्सेसरीज जो है वो लगवा सकते हैं और कौन कौन सी एक्सेसरीज गाड़ी के अंदर लगी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ फ्रंट प्रोफाइल में देखते हैं तो भाई ये पोर्शन जो है ये तो कंपनी लगा कर देती है, ये पोर्शन भी कंपनी लगा कर देती है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर क्रोम इंसर्ट लगवा सकते हैं और एक हेडलैम्प के नीचे भी क्रोम आता है, उसको भी आप लगवा पाएंगे। बाकी साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं तो साइड प्रोफाइल का आप लुक चेकआउट कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको जो डोर वाइजर है क्रोम लाइन, उसका आप इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो डोर वाइजर है ना, ये आपको 6 पीस में मिल जाते हैं और जो लास्ट वाला पीस है क्रोम का वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि यहाँ पे आप देखें तो नीचे की तरफ आ रहा है और अगर आप यहाँ से देखते हैं ना कुछ इस तरीके से कनेक्टेड आपको इसके अंदर आकर के मिलने वाला फील देने वाला है जो कि इसकी लोअर गार्निश है। ये आपको यहाँ पे क्रोम कंपनी से ही मिल जाती है और ये पोर्शन जो है ना इसमें भी आप क्रोम का इंसर्ट लगवा सकते हैं। बाकी आते हैं नीचे की तरफ तो डोर हैंडल क्रोम आते ही हैं। इसके पीछे आप चाहें तो ये जो अपना स्केचर है उसको लगवा सकते हैं। बेनिफिट क्या है कि अगर आप अंगूठी पहनते हैं या फिर आपके नाखून बड़े हैं और जब भी आप डोर वगैरह खोलते हैं तो अक्सर क्या होता है कि गाड़ियों के अंदर जो पैंट्स होते हैं ना वो छूट जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये लगा रखा है तो लुक तो इन्हेंस होती ही होती है, बाकी जो है कार की सेफ्टी भी बनी रहती है। नीचे आते हैं तो डोर गार्ड आप लगवा सकते हैं जिसके जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, बहुत ही आपको यहाँ पर सिलिक डिज़ाइन मिल जाता है और कार के साइड स्क्रैचेस से काफ़ी हद तक ये बचाएगा। बाकी ड्राइवर साइड का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो भाई ये डुअल टोन वाला पोर्शन कंपनी लगा कर देती है कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक इसको मॉडल लाइन देने के लिए जो है वो अपना साइड बीडिंग लगवा सकते हैं क्रोम लाइन के साथ। ये जो ये लगी हुई है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक इस चीज़ का भी इंस्टॉलेशन आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बाकी आउटसाइड मेरे को थोड़ा हाईलाइटेड सा अगर आपको फील कराना है तो यहाँ पे आप इसके ऊपर भी क्रोम का इंसर्ट लगवा सकते हैं। आ जाते हैं रियर प्रोफाइल में दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखें तो अपना एक चीज़ है जो इसका टेल लाइट है उसके ऊपर यहाँ पर क्रोम का इंसर्ट दिया गया है, तो ये भाई ये लगवाना चाहे तो ये भी लगवा सकते हैं, एक हाईलाइटेड सा फीचर हो जाता है। और ये कंप्लीट इतना जो है सिर्फ इतना ही आता है, ये मतलब कंप्लीट जो है इसके टेल लैंप्स को कवर नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन पर ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी लोअर पोर्शन पर क्रोम तो कंपनी लगा करके ही देती है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर भी एक जो है क्रोम का इंसर्ट लगवा सकते हैं जो कि हमने टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी जब रिव्यू किया था तो उसमें दिखाया था, तो यहाँ पर भी क्रोम लगा हुआ था। बाकी अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर मैट इंस्टॉल करवाना है तो 5 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको एक कारपेट मैट मिलता है, उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर कारपेट में एक प्रीमियम मैट आता है उसका इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। कारपेट मैट्स नहीं चाहिए तो 3D मैट आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑल वेदर मैट एक आता है, इसका भी आप इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए तो डुअल लेयर मैट आता है जिसको लगभग आफ्टर मार्केट में 70 कहा जाता है, तो वो भी आप ऑप्शन में आपको मिल जाता है, तो उसका भी इंस्टॉलेशन आप यहां पर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। दो तरीके के एक बूट मैट भी किया ऑफर करती है, एक आपको मिल जाते हैं बूट मैट कुछ इस तरीके का और दूसरा वाला आप चाहें तो यहाँ पर 3D बूट मैट का भी इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। बाकी आप कौन सी एक्सेसरीज अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।